ये हम 55 साल से ये गेवर ये आप कॉलेज को तैयार कर रहे हैं। पहले हमारे दादा करते थे, फिर हमारे वालद साहब और उसके बाद हम करते। हमारे दादा के ना सिख उस्ताद था, वो उससे सीखा था, उससे ये पाकिस्तान में ये बना रहे। मेरा नाम सोहेल है, वालद साहब का नाम मेरा अक्षत है, ये मेरे वालद साहब के नाम की दुकान है। ये हम खालत खोए से तैयार करते हैं और अच्छा घी इस्तेमाल करते हैं, देसी घी से बाद में तैयार करते हैं। ये खोए दूध दही आने निशास्ता वगैरह ये उसके साथ फ्राई करते हैं हम घी में, उसके बाद इसे शीरे में डालना, फिर उसमें खोया डालना, फिर इसमें गार्निश करते हैं। दाहरे ये इंडिया की सौगात है, ये बाहर भी जाते हैं, बाहर से सऊदी अरब भी जाते हैं, अमेरिका तक जाते हैं। ये सब जो लोग जो पुराने लोग हैं वो जो इसे जानते हैं वो सारा कुछ लेके जा रहे हैं। ये सर्दियों में ज़्यादा गेवर खाते हैं। हमारा कोई मिलावा नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हमसे अलावा कोई नहीं बना रहा। फैसलाबाद में ये गेवर की वाहद दुकान है जो यहाँ पर मशहूर है, और यहाँ से लोग दूसरे शहरों के बजाय इंटरनेशनल लोग भी यहाँ से फैसलाबाद से ये गेवर इसके लेके जाते हैं, क्योंकि ये चाय के साथ शाम को इसके खाने का एक अलहदा ही मज़ा है। और इसके ऊपर जो खोया लगाया जाता है, फैसलाबाद में चौंक घंटा घर के करीब वाहद ये एक दुकान है, ये तकरीबन 50 साल कबल से यहाँ पर यह दुकान है। इससे पहले हमारे बाबा अजदाद यहाँ से गेवर लेके जाते थे, अब हम यहाँ से गेवर अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं।